अच्छा तो वैसे मैं पैड पहन रहा हूँ, चेहरी के सामने बैटिंग करने के लिए हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन आज मैं हेलमेट पहनूंगा नहीं तो बाउंसर हूँ डालू यार। जो आप बात कर रहे थे कि आप 12.5 साल में घर भी मतलब पिच भी बनाई, वो लट्टू भी लगाए, लट्टू तोड़े भी तो चलो बदल लिए, तो वहाँ से जब शुरू किया तो फिर रात को प्रैक्टिस करने आता कौन था? कुछ साथ के प्लेयर्स थे, मतलब किसके प्लेयर्स? क्लासमेट थे जो आपके जो क्रिकेट खेलते थे, बॉल खेलते और अंकल लोग आते हैं। आप जो बॉलर तो आपको जरूरत नहीं, बैट्समैन करेक्ट कि भाई आपने शॉर्ट बॉलिंग कर दी, आज आप बैटिंग करते, बॉलर चाहिए, बॉलर चाहिए, तो वो अंकल लोग आते थे। उसमें एक अंकल थे जिनकी इंसिंग होती थी बॉल, अच्छा उनका पेस भी ठीक था, मतलब हिसाब से छोटा था, मतलब उनका पेस भी ठीक था, इंटरव्यू में कि बातचीत में बोली थी कि मैं हमेशा वो सोचता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, लेकिन जब आप पूरा साल मेहनत करते हो, ये मेरे साथ भी हुआ एक्चुअली, पूरा साल मेहनत की, अच्छा सीजन से बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, सीजन के टाइम पे हो गया जो 100 70 80 हो गया, 3 महीने के लिए बैठ रहे, अब आपने सब कुछ तो कर लिया, फिर आप पहुँचते हो, आप खेलने लगते हो, आपका वेट फट जाता है, चलो फिर आप दोबारा मेहनत शुरू करते हो, फिर अगले साल जाते हो 100 हो जाता है, फिर आप आते हो, फिर वेट फट जाता है, तो फिर व्हाट नेक्स्ट क्या अभी भी दिमाग में चल रहा था? व्हाट नेक्स्ट ये पता नहीं गॉड, सिर्फ मेरे को एक बार अभी तक याद है, मेरे पूरे करियर में एक ही दिन ऐसा था जिसमें मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे, वो दिन वो था जब ऋषि भाई की बॉल मेरे लगी थी हाथ में और वो तीसरा साल था लगातार, और जब मेरे बॉल लगी तो मैंने ऐसे बॉल देखा और दिख गया कि भाई पूरा खुल गया, और मुझे पता एक बार हो चुका था तो मुझे पता लग गया कि भाई सीरियस सीजन गया तेरा, मतलब चांस ही नहीं खेल सकता चार मैच, तो वहाँ से बॉलिंग रनअप से लेके और ड्रेसिंग रूम तक जाना, उसमें मुझे पता है उसके उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीज चल रही थी, मेरे सामने होता ना फ्लैशबैक में जो ऐसी मूवीज में चलता है कि भैया सोच रहे थे, मेरे सामने वही चल रहा था कि मैं कुल्हाड़ी चला रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं बॉलिंग पिच बना रहा हूँ, वो तो बात की बात है, मतलब जो एक्साइड ट्रेनिंग, जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, जो टायर बांध के कर रहा हूँ, और मेरे सामने वही चल रहा था, वही एक मोमेंट था जहाँ पे मेरी आंखों में से आंसू आने लगे, बट ठीक है मैं कंट्रोल कर लिया मेरे को, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया, 5 मिनट बाद जब मुझे पता ही कि अब हो गया, बट वो जो था ना मतलब वॉक थी वो मुझे याद रहेगी जिंदगी को, भाई वो सामने मेरे मतलब मैं चल रहा हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो मुझे याद है मैं वहाँ एक पानी की बोतल रखी थी, उसको मैंने लात मारी, उससे मैं उतनी दूर गई थी, मैं उतनी कभी किक नहीं कर सकता पानी की बोतल, मतलब 50 मीटर तो गई होगी बोतल। रणजी ट्रॉफी के लिए ही हमारी जगह रहती है, इस जगह का नाम है कवर्स, तो इसमें वी वुड डक फॉर कवर, फटाफट से हम यहाँ आ जाते थे खाना खाने के लिए और बहुत टाइम यहाँ स्पेंड करते थे, मैं पास्ता बहुत खाता था, इफ यू रिमेंबर पास्ता भी मुझे बिल्कुल पसंद था, उस टाइम बिल्कुल देसी डाइट हो रहा था भाई, तो देखो अब ये एक्चुअली अब ये वाली बात पता नहीं भूल गया, एक्चुअली लास्ट टाइम जब ये मुंबई आया था तो मैंने इससे बात कर रहा था, तो इसने फिर मुझे बताया कि ये जापानीज खाना खा रहा है आजकल, थोड़ा सा यू नो स्टाइल हैज चेंज्ड अ लिटिल, तो अब तो नॉन वेज में भी बाहर ज्यादा बहुत ज्यादा सुशी एंड क्या खा रहा था भाई तू? पड थाई, मेरा थाई फेवरेट है, थाई मेरा भी थाई फेवरेट है भाई तो है, सो पद थाई नूडल्स और बेसल चिकन थाई ग्रीन करी करा पाव, क्या बात है, पहला साल रणजी ट्रॉफी खेला उसमें अच्छा किया, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था, मतलब वन ऑफ द रीजन था कि आप और विनीत सक्सेना भी, इसलिए क्योंकि आकाश भैया को और मैं विनीत भैया को, आकाश भैया स्लो खेलते सबको मालूम है, विनीत भैया उनसे भी स्लो खेलते आकाश भैया से भी स्लो खेलते विनीत भैया हमारे जो ओपनर थे, तो भैया मैं इनको नई बॉल से डालता तो आकाश भैया विनीत भैया बैटिंग करते थे मेरे सामने जब मैं पहले डाल रहा था, तो चौथे और पाँचवें स्टंप की बॉल तो टच करनी नहीं है, कोई चांस ही नहीं टच कर दे, तो आप लोगों को बॉल फेंक फेंक के मेरी लाइन इतनी अच्छी हो गई थी कंट्रोल की, भाई छठे स्टंप फेंक दूंगा तो छोड़ ही दोगे, पांचवें फेंक दूंगा छोड़ दोगे, तो चौथे स्टंप की इतनी पास से जाती थी उसको भी छोड़ देते कई बार,
तो जो मेरी और इनसिंग अच्छी खेलते दोनों, तो मुझे बाद में रिलाइज हुआ कि मैं मेरी लाइन उस टाइम पे इतनी अच्छी इसलिए थी क्योंकि मैं आप लोगों को रेगुलर बॉल डालता था, आप बहुत ही दूर इतनी पास की बॉल छोड़ देते, तो मैं ऑब्वियसली आप जब मैं बॉल डाल रहा हूँ कि बॉलर बैट्समैन छोड़ दे रहा है तो आप कोशिश करते हैं और पास आ जाए, और पास है थोड़ा और पास है, तो आप लोगों को बॉल डाल कि मेरी लाइन बहुत अच्छी हो गई थी। चलो कोई काम तो अच्छा किया भाई हमने जिंदगी में।